नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 19 जुलाई और इस तारीख का संबंध है उधम सिंह से, जिन्होंने विदेश जाकर भारत के लोगों पर हुए जुल्म का बदला लिया। चलिए 19 जुलाई के ही दिन से शुरू करते हैं। साल था 1974, दोपहर का वक्त था। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा एयरपोर्ट पर एक प्लेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेन इंग्लैंड से आ रहा था। जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा के पीछे कुछ ही दूर पर बहुत सारे सरकारी अफसर और नौकरशाह भी खड़े थे। खूब तेज़ बारिश हो रही थी, पर किसी को मौसम का ख्याल नहीं था। ये सभी बहुत नर्वस भी थे और उत्साहित भी, कारण कि उनकी सालों की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड किया तो इन सब के सर श्रद्धा से झुक गए। उधम सिंह 34 साल बाद घर लौट रहे थे। कुछ दूर पर कपूरथला हाउस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके स्वागत के लिए रुकी थी। छाता ओढ़े हुए इंदिरा ने ताबूत पर फूलों का हार चढ़ाया। उनके लौटने का उत्साह इस कदर था कि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करवाई कि उनकी अंतिम यात्रा पंजाब के हर मुख्य शहर से होकर गुजरेगी। स्पेशल प्लेन के साथ एक अमेरिकन पत्रकार बर्नार्ड वेनरोब भी आए थे। अगस्त 5, 1974 को न्यूयॉर्क टाइम्स के 8वें पन्ने पर उनकी रिपोर्ट छपी, जिसमें इस नज़ारे को कुछ यूं बयान किया गया था। फूलों की मालाओं से सजा उधम सिंह का ताबूत पंजाब की सपाट गीली सड़कों पर धीरे धीरे चल रहा है। लंबी दाढ़ी और पगड़ी पहने हजारों सिख अपने अमर शहीद के चारों ओर लाइन लगा के खड़े हैं। वो शहीद जिसे 1940 में दूर विदेश में फांसी दे दी गई थी, आज 34 साल बाद जो अपने देश की अंतिम यात्रा पर जा रहा है। चारों तरफ बस एक ही शोर है, उधम सिंह जिंदाबाद, उधम सिंह अमर रहे। 31 जुलाई को उधम सिंह की अंतिम यात्रा अपने गांव सुनाम में जाकर खत्म हुई। सुनाम पंजाब के संगरूर में पड़ता है। सुनाम की धरती अपने सबसे प्यारे बेटे के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। फूलों और मालाओं से पूरा गांव सजाया गया था। 2 अगस्त को ज्ञानी जैल सिंह ने उधम सिंह की चिता को आग लगाई। उनकी अंतिम राख को 7 हिस्सों में बांट कर कलश में रखा गया। एक कलश हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जन के लिए भेजा गया, दूसरा कीरतपुर साहिब और तीसरा कलश रोज़ा शरीफ भेजा गया, जहां सूफी फकीर अहमद फारूकी की मज़ार है। 2 कलश आज भी सुनाम में उधम सिंह आर्ट्स कॉलेज लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। आखिरी कलश को जलियावाला बाग ले जाया गया, जहां 13 अप्रैल 1919 को मशहूर जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहीं खून से लाल हुई मिट्टी को उठा के उधम सिंह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस हत्याकांड का बदला लेकर रहेंगे। इस शपथ को पूरा करने के लिए उन्हें 21 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। जलियावाला बाग नरसंहार के बाद उधम सिंह बदले की आग में जल रहे थे। अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए वो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुए। इन्हीं दिनों उन्होंने दुनिया भर में गरीब और मजलूम लोगों पर हो रहे शोषण का अध्ययन किया। दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय बसे थे, वो अपनी अपनी तरह से भारत की आज़ादी के आंदोलन को बुलंद कर रहे थे। उधम सिंह इन सभी लोगों से मिलना चाह रहे थे। 1924 में वो मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात गदर पार्टी के लोगों से हुई। गदर एक राजनीतिक पार्टी थी। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने 1913 में इसका गठन किया था। इस पार्टी का मकसद था साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष और भारत की आज़ादी। बहरहाल, अमेरिका में उधम सिंह ने 3 साल बिताए। इस दौरान वो कभी सैन फ्रांसिस्को, कभी न्यूयॉर्क और कभी शिकागो में रहे। यहाँ रहते हुए एक अमेरिकन शिपिंग लाइन के लिए काम किया और अपना नाम रखा फ्रैंक ब्राज़ील। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने गदर पार्टी का खूब प्रचार प्रसार किया। अपनी एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम रखा आज़ाद पार्टी। अमेरिका में कुछ साल बिताने पर उधम सिंह को लगा कि भारत जाकर आज़ादी के संघर्ष को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा। सो जुलाई 1927 में वो भारत वापस आए। लौटने के कुछ दिनों के अंदर ही उन पर आर्म सेट लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान जेल में उनकी भेंट भगत सिंह से हुई। भगत सिंह से उम्र में बड़े होने के बावजूद उधम सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह से उनका बड़ा स्नेह था, इतना कि उनके पर्स में हमेशा एक फ़ोटो भगत सिंह की रहती थी। 1931 में वो जेल से रिहा हुए। इसके 2 साल बाद 1933 में उन्होंने इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया और एक जाली पासपोर्ट के जरिए लंदन पहुंच गए। लंदन में काम करने वाले भारतीयों का एक संगठन था, इंडियन वर्कर एसोसिएशन। उधम सिंह ने इस संगठन की सदस्यता ले ली और खर्चा चलाने के लिए होजरी यानी कि कपड़े लत्ते का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने इटली, फ्रांस और जर्मनी की यात्रा भी की।
इन देशों में भी वो उन लोगों से मिले जो भारत की आज़ादी का समर्थन करते थे। ब्रिटेन में रहते हुए उधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रख लिया था। इसके अब दो कारण थे, पहला तो ये कि वो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते थे और दूसरा ये कि वो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो वाली नीति के विरोध में थे और ये उस विरोध को प्रोजेक्ट करने का उनका तरीका था। एवेंजर्स फिल्म में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन लोकी से कहता है, इफ यू कैन प्रोटेक्ट द अर्थ यू कैन बी डैम वेल श्योर वी विल एवेंज, यानी अगर हम धरती को बचा नहीं पाए तो उसका बदला जरूर ले लेंगे। देखे तो ये बात उधम सिंह पर बिल्कुल ठीक बैठती है। जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन उधम सिंह वहीं मौजूद थे। उस दिन तो वो अंग्रेजों को रोक नहीं पाए लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इस घटना का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने लिया भी 13 मार्च 1940 को, उस दिन बुधवार था। उधम सिंह लंदन स्थित इंडिया ऑफिस गए, कुछ पासपोर्ट के काम के सिलसिले में उनका जाना हुआ था। सर हुसैन हैदरी जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे उस दिन ऑफिस में नहीं थे। उधम सिंह ने सोचा चलो खाली समय बर्बाद करने से बेहतर कुछ और काम किया जाए। दरवाजे से बाहर आते हुए उनकी नज़र एक नोटिस पर पड़ी। नोटिस में लिखा था कि उस दिन शाम को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी के बीच लंदन के कैस्टन हॉल में एक मीटिंग है। उधम सिंह ने मीटिंग की डिटेल्स नोट करके रख ली और घर चले गए। घर जाकर प्लान बनाया कि पॉल रॉबिन्सन की फिल्म प्राउड वैली देखने चलते हैं। उधम सिंह फिल्म देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिनेमा हॉल बंद है, सोचा कि घर लौट चले। तभी उनका ध्यान अपनी जेब में रखे उस नोट पर गया जिस पर सुबह उन्होंने एक मीटिंग की डिटेल्स लिखी थी। उधम सिंह ने क्या प्लान बनाया इसके बाद ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने फ्रैंक डेब्रॉन की मशहूर फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है? नहीं देखी तो हम आगाह कर दें, स्पॉइलर अलर्ट। फिल्म में जेल का वार्डन एंडी को एक बाइबल देते हुए कहता है, सेल्वेशन लाइज विद इन, यानी कि मोक्ष अपने अंदर भी मिलता है। फिल्म के अंत में एंडी जेल में से सुरंग बनाकर भाग जाता है। वार्डन को वही बाइबल एंडी के सेल में रखी मिलती है। वो उसे खोलकर देखते हैं तो किताब के अंदर पन्नों को उसी आकार में काटकर एक हथौड़ी रखी होती है। साथ में एक नोट लिखा मिलता है, डियर वार्डन यू आर राइट सेल्वेशन लाइज विद इन, यानी प्यारे वार्डन तुम सही थे, मोक्ष खुद के अंदर ही है। वापस अपने प्रश्न पर लौटते हैं, क्या था उधम सिंह के दिन उस दिन जहन में आया हुआ प्लान? फिल्म हॉल से घर लौटकर बिल्कुल इसी स्टाइल में उधम सिंह स्मिथ एंड वेसन मार्क II की एक रिवॉल्वर को किताब में रख देते हैं और बंदूक की 8 गोलियां निकालकर अपनी पैंट की जेब में डालकर कैस्टन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। हॉल में एक बैठक का अभी अभी समापन हुआ था। पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर, उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लोग अपनी कुर्सियों से उठ उठकर जा रहे थे। तभी 2 गोलियों की आवाज़ आई और माइकल ओ'ड्वायर नीचे गिर पड़े और बंदूक उधम सिंह के हाथ में थी। इसके बाद उधम सिंह ने भागने की बजाय आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उधम सिंह ने जिसे मारा वो जलियांवाला बाग में बंदूक चलाने का आदेश देने वाला जनरल डायर था, पर यह सच नहीं है। हत्या का आदेश जिसने दिया था उसका नाम था रेजिनल्ड एडवर्ड डायर। 1927 में मस्तिष्क रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई थी। कैस्टन हॉल में जिसकी हत्या हुई थी वो माइकल ओ'ड्वायर था जो जलियांवाला बाग नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर होता था। घटना के बाद पुलिस ने उधम सिंह का बयान दर्ज किया। 2 अप्रैल 1940 को यह बयान डेली मिरर अखबार में छपा। अखबार ने लिखा, रेडी टू डाई सेज इंडियन, आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री, यानी भारतीय कहता है मरने को तैयार है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। 4 जून को कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू हुआ। केवल 2 दिनों में जज ने अपना फैसला देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुना दी। अंतिम दिनों में उधम सिंह को किसी की याद आती थी तो वो थे भगत सिंह। जेल में कैद होने के दौरान उन्होंने एक पत्र लिखा, 10 साल हो गए मेरा दोस्त भगत सिंह मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे यकीन है कि मरने के बाद मैं उससे ज़रूर मिलूंगा, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसको 23 मार्च को फांसी दी गई थी, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी इसी दिन फांसी पर चढ़ाया जाएगा। 31 जुलाई 1940 की सुबह थी, पूरे लंदन में जर्मन विमानों द्वारा गिराए जा रहे बमों का शोर था। इसी शोर के बीच सुबह 9 बजे उधम सिंह को पेंटनविले जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेकर। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर हमसे शेयर करते रहिए। एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने, इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अमितेश ने। हम जा रहे हैं अब घर, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।